हेलो बच्चों, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स। देखो, इससे पहले अगर बात की जाए केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, कैसे रिलेट करते हैं, तो नोट कर लो। केमिकल काइनेटिक्स, पहले डेफिनेशन नोट कर लो, छोटी सी डेफिनेशन ओन वर्ड्स में। इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू या विथ चेंज टू कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि वो किसके साथ स्टडी करेगा, अपन तीन चीज़ों से पढ़ेंगे। क्या? केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांचेस जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ कितना वेरिएशन होता है उसको स्टडी करेंगे। अब बात की जाती है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात की जाए, रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट अपॉन टाइम। क्या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि चेंज कितना आया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। ये वाली बात क्लियर है कि चेंज अपॉन टाइम का जो रेशियो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, बेसिकली बताओ भाई, इनिशियली मैं बोल रहा हूँ किसी भी रिएक्शन में मोलैरिटी जो थी, मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, मोलैरिटी टर्म्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मोलैरिटी टर्म्स की बात कर रहे हैं। अगर बात की जाए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कि स्टार्टिंग में मोलैरिटी 5 थी, आफ्टर 20 मिनट्स के बाद सपोज 2m रह गई, 20 मिनट्स के बाद 2m रह गई, तो क्या हो गया, 3m अपॉन 20, चेंज दोनों का डिफरेंस अपॉन टाइम टेकन। किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन की, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम का जो रेशो है किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, मोलैरिटी क्या होती है, कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, कि कितना चेंज आया, कितना वक्त लगा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नोट कर लो, क्लियर है। अब आगे की बात, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की, इनिशियली 5 था, कुछ टाइम के बाद 2 रह गया, तो कितना वेरिएशन आया, वो चेंज की बात करते हैं, तब बात करते हैं मोलैरिटी की। क्लियर। अब देखो आगे की बात, आगे क्या बोलता है ये। अच्छा, अगर बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर यूनिट की बात की जाए, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, चेंज अपॉन टाइम टेकन। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन में मोलैरिटी अपॉन टाइम, यही तो थी मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ले लो,
कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम का जो रेशो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, मोल लीटर इनवर्स, और टाइम को क्या लिख देंगे, सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विच इज मोल पर लीटर, और टाइम को क्या लिख देंगे, सेकंड इनवर्स, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, नोट किया, ओके बच्चों ड्रॉप कर दें इसे, ठीक है। आगे देखो, ये हो गई मोलैरिटी की कहानी, ठीक है। यूनिट मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, जनरली टाइम को सेकंड में बोला है तो उसको सेकंड में ले लेंगे। फिर बात करते हैं एवरेज रेट की, इसमें लिखो व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल, फॉर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल इज नोन एज, इज नोन एज एवरेज रेट, इज नोन एज एवरेज रेट। नोट किया, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल इज नोन एज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल इज नोन एज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, कैसे जरा देख लेते हैं। देखो, इनिशियली कोई भी सिर्फ रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, जब कोई भी रिएक्शन शुरू हो रही है तो सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहता, सिर्फ रिएक्टेंट रहता है, यही तो होता है। इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट रहता है, धीरे धीरे टाइम के साथ रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। दिस वन इज अ कॉन्सेंट्रेशन, दिस वन इज अ टाइम। मेरी बात समझ में आई कि इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट रहता है, धीरे धीरे वो डिक्रीज होते थे जीरो हो जाएगा। और इनिशियली अगर प्रोडक्ट की बात करें, कोई भी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट अगर कन्वर्ट हो रहा है, इनिशियली सिर्फ आप लोगों के पास क्या रहता है, सिर्फ प्रोडक्ट जीरो रहता है। जैसे टाइम बदलेगा प्रोडक्ट क्या रहेगा, बढ़ता जाएगा, प्रोडक्ट क्या रहेगा, बढ़ता जाएगा। तो इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट, इनिशियली सिर्फ प्रोडक्ट, दो चीज़ें होती हैं। इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट अवेलेबल रहता है, इनिशियली सिर्फ प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है। धीरे धीरे रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसकी बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइप की बात की जाती है, ठीक है। देखो टाइम, जब टाइम, मैं देखो इसको कैसे निकालता हूँ, इस पर मैंने मान लिया सी वन, ये मैंने मान लिया टाइम टी वन, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा सी टू, टाइम क्या हो गया टी टू, ठीक है। आर एवरेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर ए वी जी, ठीक है। माइनस का देखो, अब देखो क्या हो जाएगा, सी वन माइनस सी टू, सी वन माइनस सी टू अपॉन टी टू माइनस टी वन, ज़्यादा माइनस कम। अब देखो इसमें क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस का सी टू माइनस सी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, माइनस का मतलब क्या हो गया, वो डिक्रीज हो रहा है। इसको ऐसे लिखते हैं आर एवरेज, तो क्या लिखते हैं, माइनस का डेल आर बाय डेल्टा टी, क्या आर एवरेज को क्या लिखते हैं, माइनस का डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, की धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए, ये रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में था कि धीरे धीरे रिएक्टेंट में क्या चेंज आता है, कैसे चेंज आता है, कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर प्रोडक्ट की बात किया जाए तो देखो, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होता है आप लोगों का, इनिशियली वही वही जैसे इसमें सीवन था, इसमें भी सीवन मान लो, धीरे धीरे वैल्यू कम, वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, टाइम टी वन के लिए वैल्यू सीवन,
टाइम टी टू के लिए वैल्यू क्या हो गई, सी टू क्या हो गया, आर एवरेज रेट ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी टू माइनस सी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। प्रॉब्लम सॉल्व अगर इसकी बात की जाए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। नोट कर लो, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फिर इसको क्या दिखाएंगे, आर एवरेज सी टू माइनस सी वन अपॉन, भाई चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज चेंज, दिस इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। और जब रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो रिएक्टेंट माइनस का मतलब है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, प्लस वैल्यू प्लस को ले रहे हैं क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है। इसे बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, क्लियर है। अब आगे की बात देखो, रब कर दें, एवरेज रेट, जब रेट ऑफ रिएक्शन को एक लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए डिटरमाइन करा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है इसी के अंदर इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल इज नोन एज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। मतलब पहले सपोज मैं बोल रहा था 10 मिनट में कितना चेंज आ रहा है, अब मैं बोल रहा हूँ 1 सेकंड में कितना चेंज आ रहा है। तो पहले मैं एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बता रहा था, अब मैं एक छोटे मोमेंट के लिए बता रहा हूँ कि एक मोमेंट में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। रेट का मतलब देखो एक चीज़ समझो कि वो कितना वेरिएशन शो कर रहा है, स्पीड में जो वेरिएशन आ रहा है टाइम पीरियड करने से। कई कई बाइक्स की जगह या कई कार्स की जब आप खरीदने जाते हो तो बात की जाती है कि ये 3 सेकंड में 0.0 से लेकर 100 किलोमीटर की स्पीड, तो जो चेंज आता है और अपॉन टाइम वो ही एक तरीके से हो गया कि वेलोसिटी में या स्पीड में, वहाँ पे स्पीड की बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन अपॉन टाइम में कितना वेरिएशन आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नोट कर लिया, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल इज नोन एज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, क्लियर, ओके। अच्छा, इंस्टेंटेनियस रेट में देखो सेम फंडा रहेगा, उसमें क्या करते हैं, आर इंस्टेंट मेजर किया जाता है, ठीक है, माइनस का माइनस बहुत छोटे टाइम इंटरवल, ये मैं एक सेकंड में कितना वेरिएशन आ रहा है तो इसे ये बोलेंगे, ये एक बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए, तो माइनस का डी आर बाय डी टी, एक छोटे इंस्टेंट पे कितना वेरिएशन आया इसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। एक छोटे माइनस मतलब डिक्रीमेंट, इसमें छोटे इंस्टेंट पर कितना वेरिएशन आया, आर इंस्टेंट क्या हो जाएगा, डेल पी बाय डेल टी, एक बहुत ही छोटे इस टाइम में कितना वेरिएशन आया। पहले मैं बोल रहा हूं 10 मिनट में कितना चेंज आया, मैं बोल रहा हूं 1 सेकंड में कितना चेंज आया, तो बात की जाएगी इंस्टेंटेनियस रेट की। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आर इंस्टेंट, खत्म कहानी, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आर इंस्टेंट, ठीक है। नोट किया बच्चों, ओके, रब कर दें। अब देखो एक चीज़, अगर मैं कोई रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, ए ऑफ ए बी ऑफ बी, प्रोडक्ट में बन रहा है सी ऑफ सी डी ऑफ डी, तो अगर मैं सिर्फ रेट ऑफ ए की बात करें, रेट ऑफ ए तो इंक्रीज अब इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ए, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम, ठीक है, यही तो होगा कि जितना इंक्रीज हुआ अपॉन टाइम, ठीक है। इंक्रीज को क्या लिख रहा हूं मैं, देखो
देखो पहली बात, अब इसमें एक गड़बड़ क्या होता है बच्चे, इंक्रीज और डिक्रीज, रिएक्टेंट जो है वो क्या होता है धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। कई बच्चे क्या करते हैं इसमें इंक्रीज, इंक्रीज नहीं होगा, देखो ये रिएक्टेंट है, टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, विच इज मैंने लिख दिया डी ए बाय डी ए, मतलब जितना चेंज आया अपॉन डी टी, और ये माइनस मतलब डिक्रीमेंट, ये माइनस का सिंबल किसको बताता है, डिक्रीमेंट। अच्छा सर ये ए का क्या हुआ, बेटा ये नंबर ऑफ मोल्स है, जिस रेशो में वो बढ़ेगा वो देखो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये होता है वन बाय ए। सिमिलरली रेट ऑफ बी की बात की जाए, रेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम, टेकन, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन, इसको क्या लिख देंगे, माइनस का वन बाय बी डी बी बाय डी टी, माइनस का वन बाय बी डी बी बाय डी टी। फिर ये रेट ऑफ, अब रेट ऑफ सी की जब बात करेंगे, देखो अब ये दोनों तो क्या थे, रिएक्टेंट थे, इसलिए क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। अगर बात करें रेट ऑफ सी की तो देखो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन टाइम टेकन, तो क्या हो जाएगा, वन बाय सी डी सी बाय डी टी। यहाँ पे माइनस नहीं लगा, यहाँ पे प्लस आएगा ऑटोमेटिकली, क्यों, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है। फिर सिमिलरली फिर उस अगर डी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाय डी डी ऑफ डी बाय डी टी, यानी कि ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर इसको ओवरऑल लिखना हो तो देखो कैसे लिखेंगे, रेट सब रेट के बराबर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ही लिखते हैं जनरली बुक्स में, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस का वन बाय ए डी ए बाय डी टी, माइनस का वन बाय बी डी बी बाय डी टी इज इक्वल्स टू वन बाय सी डी ऑफ सी बाय डी टी, और वन बाय डी डी ऑफ डी बाय डी टी। क्लियर है, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में मैंने माइनस का साइन लगाया, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में मैंने प्लस का साइन लगाया, इसलिए वैल्यू वेरी कर रही है। नोट कर लो, नोट किया, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या रिलेशन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का ये वाला रिलेशन अपन को इस्तेमाल करने का है। नोट किया, ओके ठीक है। अब इसमें बेसिक न्यूमेरिकल करवा देते हैं आप लोगों को, देखो एग्जाम्पल है ऐसा, एक एग्जाम्पल 4.2, देखो टेक्स्ट बुक का एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं। नोट किया, ओके अ डीकंपोजिशन ऑफ N2O5, रिएक्शन भी दे रखी है। एग्जाम्पल 4.2, देखो डीकंपोजिशन ऑफ N2O5, रिएक्शन दे रखी है 2N2O5, प्रोडक्ट में दे रखा है 2N2O4 प्लस O2, ये रिएक्शन आपको दे रखी है। और उसने क्या बोला, टेम्परेचर तो फिक्स रखा है, स्टडीड बाय द मॉनिटरिंग कंसंट्रेशन N2O5, इनिशियली द कंसंट्रेशन इनिशियली जो थी 2.33 थी, और आफ्टर टी टाइम के बाद क्या हो गई, ये रिड्यूस हो गई, ठीक है। इनिशियली 2.3 थी कंसंट्रेशन C1 या C इनिशियल बोल दो, कि वैल्यू दे रखी है 2.33 मोल पर लीटर, ठीक है मोल पर लीटर, और C2 या C1 दे है ना, C1 C2 ले लो, C2 दे रखा है ठीक है 184 मिनट्स के बाद हो गई 2.08 मोल पर लीटर, और टाइम कितना लगा इसके अंदर, 184 मिनट्स, ठीक है। आपको निकालना है व्हाट इज द एवरेज रेट, वही आर ए वी जी, वही डिफरेंस आर निकालना है बेसिकली, एंड व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डी एन ओ टू, रेट ऑफ प्रोडक्शन मतलब आपको निकालना है डी एन ओ टू बाय डी टी, ये दो वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, ठीक है ये वाली बात क्लियर। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अपन को पता है आर एवरेज बोल दो या आर बोल दो,
रेट इज इक्वल्स टू जो होता है वो होता है 1/2 माइनस का नंबर ऑफ मोल्स मैंने डिवाइड कर दिए डी एन टू ओ फाइव अपॉन डी टी, 1/2 प्लस का डी एन टू ओ फोर बाय डी टी, 1/ इसमें 1/ कुछ नहीं आएगा, 1/1 ही आएगा, तो डी ओ टू बाय डी टी आप लोगों से पूछा। ये वाली बात क्लियर है? अब देखो हाँ, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, इसके डिक्रीमेंट की बात की गई है एन टू ओ फाइव के। क्वेश्चन में यही पूछा ना, इसे मुझे एन टू ओ फाइव डीकम्पोज। तो देखो पहले ये वाला सेक्शन सॉल्व करेंगे, आर इज इक्वल्स टू माइनस मतलब सी टू माइनस सी वन, ठीक है, माइनस ऑफ सी टू माइनस सी वन अपॉन टाइम, यही तो था। सी टू कितना है अपना 2.08 माइनस 2.33 माइनस का 1 अपॉन टाइम कितना है 184 मिनट्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ रहा है आप लोगों का 23 प्लस 20, ये आ रहा है 0.24 अपॉन 184। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये मिनट में आएगा आप लोगों के 6.79 टू 10 टू पावर 4, 6.79 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 आएगा, माइनस 4 मोल पर लीटर, और ये मिनट में दे रखा है तो ये पर लीटर मिनट इन्वर्स आ जाएगा, यूनिट जरूर लगाना पता चलेगा। ये वाली बात क्लियर? ये आप लोगों के पास क्या आ गया, रेट आ गया। और क्या पूछा है आप लोगों को, ये पूछा है 1/dN2O4 का, नहीं दूसरी चीज़ क्या पूछी थी, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ DN2O4, DNO2 अच्छा ये रिएक्शन ऐसे नहीं दे रखी, रिएक्शन दे रखी 4NO2 दे रखी, सॉरी NO2 यहाँ पे आ जाएगा 1/4, ओके हाँ 4NO2 दे रखी रिएक्शन, छोटा सा करेक्शन। तो हमको क्या निकालना है, DNO2/dt निकालना है। तो क्या करेंगे, रेट अपने पास है और ये रिलेशन क्या आ जाएगा 1/4 DNO2/dt, रेट की वैल्यू ये रही विच इज 6.79 इंटू 10^-4 -4 1/4 DNO2/dt, ये आप लोगों को निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सॉल्व कर लो, ठीक है। अच्छा एग्जाम में सर वो मिनट में सेकंड में, अगर क्वेश्चन में वो कुछ फॉर्म में नहीं दे रखा तो जिस फॉर्म में दे रखा है बस यूनिट बराबर लगाओ, अगर वो बोल रहा है सेकंड में तो ही सेकंड में सॉल्व करना है, वरना यूनिट सही लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, यूनिट नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो ये अपना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। तो मैंने आज आपको एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, उसका पूरा रिलेशन मैंने आपको समझा दिया। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों, थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।